हाय वीवर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जायका इंडिया का पर। आज हम बनाने वाले हैं पनीर भुर्जी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, इसी के साथ ये बहुत ही लजीज बनती है। आप इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पनीर भुर्जी बनाना। पनीर भुर्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पर ली है 200 ग्राम कद्दूकस की हुई पनीर, हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कस्तूरी मेथी, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, 2 बारीक कटी हुई मीडियम साइज़ की प्याज, 2 बारीक कटे हुए मीडियम साइज़ के टमाटर और 1 शिमला मिर्च कटी हुई। सबसे पहले हम एक पैन में 4 टेबलस्पून तेल गरम कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे जीरा, इसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे प्याज और इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट और इन्हें भी अच्छे से फ्राई होने देंगे। 1 से 2 मिनट के बाद हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटे हुए टमाटर और गैस की फ्लेम को हाई करके इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब शिमला मिर्ची को ऐड करके इसे भी अच्छे से फ्राई करेंगे। कुछ देर बाद हम इसमें ऐड करेंगे सारे सूखे मसाले और लो फ्लेम पर इन मसालों को 10 मिनट तक भूनने देंगे। मसालों को भूनते हुए 10 मिनट हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कद्दूकस की हुई पनीर, इन्हें मिक्स कर लेंगे। पनीर को हमें ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, इसलिए पनीर ऐड करने के बाद हम इसे सिर्फ 5 मिनट ही पकाएंगे। इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे कस्तूरी मेथी, मिक्स कर लेंगे। इन्हें ढक कर 5 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे। पनीर हमारी बिल्कुल तैयार है। अब देख सकते हैं कि भुर्जी बन चुकी है। गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसे डिश आउट कर लेंगे। तो लीजिए, खाने के लिए बिल्कुल तैयार है हमारी टेस्टी पनीर भुर्जी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।